हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे है? मैं तो ठीक हूँ, मगर गर्मी बहुत ज़्यादा ही है, क्या करूँ। नहा लिया बहुत पहले ही, बस मैं पूजा कर रहे थे, सिंदूर विंदूर लगाना हो गया था, लेकिन मैंने ना अपना बाल को और जो टॉवल है उससे बांध के रख दिया, क्योंकि और ज़्यादा गर्म लगता है। तो देखिए, मैं अभी अभी ठाकुर घर से निकल के आई हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने नहाया ही नहीं, लेकिन बस आधा घंटा ही हुआ है मैंने नहा के आया है। गाइस, फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट करने के बाद मैं नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करने। बेटा अभी तक स्कूल से नहीं आई है, आ जाएगा, बस उतना टाइम ही मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, आधा घंटा वो आ जाएगा। उसके बाद उसको नहाना है, खिलाना है। तो आज खाने में क्या बनाया? मछली, दाल और आलू पटल का सब्जी, पापड़ का तरकारी था और कुंदरी की भुंजिया। कुंदरी मालूम है? देखिए, फैन बंद कर दिए हैं क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी, इसीलिए आवाज़ नहीं आएगी। अगर फैन चलाऊंगी तो आवाज़ नहीं आएगी, इसीलिए फैन बंद कर दिए हैं। थोड़ी देर के लिए मेरी आँख लग गई थी, मैं सो रही थी ना, तो आँख लग गई, तो उठकर देखा टाइम हो गया बेटा आने की, तो मैं बरामदा में आ गई हूँ, बस इंतज़ार कर रही हूँ उनका। गाड़ी आएगी अभी, तो स्कूल का जो वैन है वो अभी आने का स्टार्ट हो गया, लेकिन बेटा का अभी तक नहीं आया है, उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस, बेटा आया था, उसके बाद उसको नहाया, खिलाया, मैंने भी खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी मैं गार्डन में आ गई हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। तो ये देखिए, पपीता की पेड़ है, ये गार्डन में बहुत सारा किया, इसको क्या बोलते हैं, घास जो है वो बहुत हो गया है, लेकिन हस्बैंड को मैंने बोले जे एक कोई आदमी को भेजो जो साफ़ा कर देगा, लेकिन आदमी नहीं मिल रहा है, हमेशा मिलता नहीं है, कभी कभी मिल जाता है। तो इसलिए मैंने मेरा जो एलोवेरा प्लांट है और गार्डन में ना चार पांच को पपीता के पेड़ उठा है, तो इसी की वजह से अब मैंने अपने हाथों से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना ये काम करना बहुत ही पसंद है यार। देखिए कैमरा में, ये जो घास है ना, इसको घास बोलता है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है सचमुच का। और इसमें अगर पैर दोगे ना तो और अच्छा लगता है। हमारा जो सिटी में हम लोग रहते हैं ना, जो मैन सिटी में रहते हैं, उसका तो मिट्टी के साथ अपने पैर टच ही नहीं होता है, लेकिन मिट्टी का टच होना बहुत ज़रूरी है हमारा बॉडी के लिए। तो मैं कभी कभी इवनिंग में आ जाती हूँ गार्डन के, खाली पैर में चलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा घूमने। गाइस, मैंने इवनिंग वॉक करके आ गई हूँ। उसके बाद मैंने शाम को सांझ बत्ती लगा दिया है, और बेटा भी चला आया ट्यूशन से, तो उसको मैं खाना खिला रही हूँ। स्कूल से बेटा का कुछ प्रोजेक्ट दिया है और उसका पीरियडिक टेस्ट भी चल रहा है, तो मैंने बेटे को बोला आज तुमको मैं मदद कर दूँगी, कोई टेंशन नहीं है। वो थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइम बहुत लग रहे थे और उसको मालूम ही नहीं था, बहुत दिन पहले ही ये प्रोजेक्ट करने दिए थे मैम लोगों ने, लेकिन मेरा बेटा बोलने भूल गए थे, तो आज उसको याद आ गया। तो मैंने बोला तुम छोड़ दो, मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। सारे सामान घर में नहीं है, लेकिन जितना ही है उतना ही से मैं काम चला लूँगी। तो उसको अभी पढ़ाई करना है, क्योंकि टेस्ट है, अगर वो इसमें ध्यान देगा तो पढ़ाई नहीं होगा। तो इसको खिलाने के बाद मैं उसका प्रोजेक्ट को थोड़ा हेल्प कर दूँगी। ये करने मुझे भी अच्छा लगता है, बचपन की बहुत याद आ जाते हैं,
और बच्चा तो छोटा है तो मम्मी पापा को तो हेल्प बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये वाइन चाइन बनाना बनाने के लिए बोला है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे घर में जो मिस्त्री लोग काम करते हैं वो उसके लिए ये काप हम लोगों के हम लोग घर में आम लेकर रख देते हैं, तो वही से और कलरिंग पेपर से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस, मैं फर्स्ट टाइम ये बना रही हूँ, अगर बुरा हो जाए तो कुछ माइंड मत कीजिए, कोशिश करना ही बड़ी बात है। बेटा 3-4 को ऐसे करके पेपर को इसके ऊपर मोड़ के रखकर चला गया। मैंने बोला तुम जाओ पढ़ाई करो और बाद जो है मैं कर लूँगी। वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा ध्यान ज़्यादा टाइम देखिए टीवी की तरफ है। मैं और मम्मी जी बैठकर टीवी देख रही हूँ और ये काम कर रही हूँ। उसका पापा आज घर से नहीं निकला, मैंने बोल दिया तुम आज शाम को कहीं मत जाओ, बेटा का जितना दिन एग्ज़ाम है बेटा की तरफ ध्यान दो पढ़ाई का। तो उनका पापा और वो अभी पढ़ाई कर रहा है और मैं ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए गाइस, देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइस, कुछ इस तरह बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारा ग्लासेस है, छोटा से मिनिमम एंड मैक्सिमम तक लेकर 10 गिलास को मैं कप को मैंने ऐसे करके रखा है। उसके हेल्प से मैं ये वाइन चेन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये आप लोग बनाते हैं या नहीं बनाया, या बच्चों के लिए कौन कौन बनाते हैं ये गाइस ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मेरी चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए फटाक से। कोशिश कर रही हूँ गाइस। आप लोगों को मालूम है ये बनाने में मेरा कितना टाइम लग गया था? मैं चाय वाय पी के बेटा को खिलाने के बाद 7 बजे से स्टार्ट किए हैं और 9:45 बजे ये काम मेरे ख़त्म हुआ था। बहुत ही टाइम लग गया था, क्या करूं, ये करने की आदत थोड़ी ना है मुझे, फिर भी बेटा के लिए कोशिश करना पड़ता है। तो गाइस, अभी तो बहुत रात हो गया है, 11 बजने वाले हैं। खाना डिनर सबका कंप्लीट हो गया, अभी मैं ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद नहाऊंगी, फेस वॉश करूंगी। तो अभी भी बहुत सारा काम है लेकिन डिनर करने के बाद ब्रश इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ब्रश करने आ गई हूँ। और अभी भी किचन में बहुत काम है, कल बेटा स्कूल जाएगा, उस वो जो खा के जाएगा टिफ़िन और कल का ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनेगा वो अभी मुझे रेडी करके रखना है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स अच्छा रहे, खुश रहे। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू माय डियर।